हेलो पीपल हमारा आज का टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल है क्या और ये अमेंडमेंट बिल क्यों है लेट्स नो मोर अबाउट दिस बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ न्यूज कैनवस सो व्हाई इज दिस बिल इन न्यूज लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया है ताकि चेक कर पाए कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है वो कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं और एडवांटेज ले रहे हैं लॉ का ताकि उनको फेवरेबल अवार्ड्स मिल सके बाय फ्रॉड ये बिल रिप्लेस uh, करता है एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को जो कि नवंबर 2020 में इशू हुआ था सो बिफोर नोइंग द की पॉइंट्स ऑफ दिस बिल लेट्स नो व्हाट इज एन आर्बिट्रेटर हु इज एन आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर एक ऐसा बंदा होता है जो कि अगर दो पार्टी सपोज़ ए और बी में डिस्प्यूट होता है, तो उनको अगर नॉन डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो आर्बिट्रेटर जो, जो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा विच विल अप्रूव्ड बाय बोथ पार्टीज और ये कॉन्ट्रैक्ट को आर्बिट्रेटर अवार्ड बोलेंगे ठीक है अब आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए

रेगुलेशन जो की फ्रेम uh, करेंगे आर्बिट्रेट काउंसिल जो कि अभी सेटअप होने की है पर ऐसा पार्लियामेंट ने बोल दिया अनकंडिशनल स्टे ऑन अवॉर्ड इफ द अवॉर्ड इज बींग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्रॉडलेंट अग्रीमेंट और करप्शन कोर्ट कैन ग्रांड एन अनकंडिशनल स्टे अब ये जो बिल है इस बिल के बेनिफिट क्या होंगे ये एक पैरिटी लाएगा स्टेक होल्डर्स में इन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैसे सभी स्टेक होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि वो एक अनकंडीशनल स्टे लगा सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड पे अगर उनको लगता है कि आर्बिट्रल अवार्ड हमारे हमारे लिए बायस्ड है या जो सामने वाली पार्टी उसके लिए बायस्ड है तो वो एक आर्बिट्रेशन एक अनकंडीशनल स्टे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट the second benefit would be that uh, they could save the taxpayers money by holding those accountables who siphoned off them unlawfully so yahan par unlawful kaam kuch ho nahi sakega iske baad matlab bahut jo possibility hai of illegal uh, things to happen it will reduce But as every coin has two sides ये बिल के भी कुछ drawbacks हैं so, two important drawbacks जो इस uh, बिल के है वो है कि इंडिया ऑलरेडी हम पीछे रहता है जब जब बारी आती है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और, और अग्रीमेंट्स की ये बिल फर्दर हैम्पर करेगा द स्पिरिट ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन और डिटोरेट करेगा रैंकिंग्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स द सेकंड इज कि इंडिया एम करता है कि वो एक हब ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बने ये इंप्लीमेंटेशन से जो लेजिस्लेटिव चेंजेस होंगे। रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स कुड टेक लॉन्गर ड्यूरेशन ना ऑनवर्ड्स तो जो इसका वो हब जो हब सपना एम था कि हब बने ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वो थोड़ा और डीले हो जाएगा या थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021 If you liked the video and thought it was informative, please do give a thumbs up. Your feedback is valuable to us. Please do give one in the comment box. Do follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook. Please install the app of News Canvas. Till then, bye bye.